शाह साहब, जो आपका रेस्क्यू 1122 का रिकॉर्ड है एक महीने का, रवा माह का, उसमें कितने कम उम्र ड्राइवर हैं जिनसे हादसात हुए हैं, जख्मी किए गए हैं या खुदा न खासा किसी की जान गई है? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो दिसंबर 1 से लेके अब तक 21 तक जो डेटा हम लोगों के पास मौजूद है, उसमें तकरीबन लाहौर में 4,900 से ज़ायद हादसात हुए, रोड ट्रैफिक हादसा जो थे, जिसमें से जो है तकरीबन कोई 124 के करीब जो थे वो अंडर एज ड्राइविंग ड्राइवर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें कुछ गाड़ियों में थे और जिसमें कुछ बाइक्स पे थे, कोई माइनर इंजर्ड हुए, कोई मेजर इंजरीज हुई किसी को। और जो है अगर देखा जाए तो इस वक्त जो क्रैकडाउन चल रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से इस हवाले से, उस पर उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें कमी तो जरूर आई है इसमें, अलबत्ता अगर पिछले महीनों से मुआवजा किया जाए तो उसमें एक नंबर, उसमें एक नुमाया कमी वाकया हुई है उसमें। और दूसरा अगर देखा जाए जो हादसात की जो शरह है वो 4,920 दिन में हादसा लाहौर के अंदर जो हुए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो आपका जो सबसे बड़ी रीज़न जो है ये आपकी जो इलीगल पार्किंग बनी हुई है सड़कों पे, जो कि सड़क को बॉटल नेक कर देती हैं, आपकी इंक्रोचमेंट जो है जो कि सड़कों पे तजावजात रेडी बांध खड़े हो जाते हैं सड़कों पे लेके। और जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इस वक्त क्रिएट हो रही है वो इलीगल जो रक्षा स्टैंड बनते जा रहे हैं सड़कों के ऊपर। आपने अक्सर फिरोजपुर रोड पे देखा होगा, वहाँ पे जैसे ही अभी अंडर पास से गुजरते हैं तो सामने ही आगे ट्रैफिक का बॉटलनेक बना होता है, क्योंकि वहाँ पे रक्षा स्टैंड जो है इलीगल बना हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो हादसा की शरह में जो है वो कमी नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें फर्दर अगर देखा जाए हादसा की कमी के लिए जो है इसमें हमें लॉ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ जो है इलीगल पार्किंग को ख़त्म करना पड़ेगा, इंक्रोचमेंट ये रेडी बांध जितने भी हैं यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो है जिसे मैं सबसे अहम समझता हूँ, जो वन वे की खिलाफ वर्जी है उसको जो है उसको हमें बहुत स्ट्रिक्टली जो है उसके साथ वो एड्रेस करना पड़ेगा। बाकी सेफ्टी कम्पेन हम लोगों की रेस्क्यू 1122 की सर्विस चल रही है, जिसमें हेलमेट के साथ है, एक आपका बाइक जब आप लेते थे हेलमेट जब आप पहनते हैं तो आपकी ओरिएंटेशन उस हिसाब से नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें आपका नेक तक कवर हुआ होता है, तो आपका जो एक साइड मिरर होता था किसी ज़माने में जो आप बाइक्स पर लगा देखते थे, वो उसका लगा हुआ होना बहुत लाजमी है, उसका राइट साइड पर मिरर जो है, ताकि आपकी ओरिएंटेशन उस हिसाब से डेवलप हो सके।